नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी में हलचल मची हुई है। वो जेल में तो पहले से ही बंद हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की जेल में भी मियां बीवी और वो वाला ड्रामा इमरान की वजह से देखने को मिला। इमरान खान को दो मामलों में 10 साल जेल की सजा के बाद अब बुशरा बीबी के साथ उनकी शादी पर भी बड़ा संकट मंडराने लगा है। बुशरा बीबी के पूर्व पति ख्वार मानेका ने इमरान खान के सामने ही अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान बुशरा के साथ रिश्तों को लेकर उनकी सारी पोल खोल दी। अदियाला जेल में इमरान और बुशरा बीबी की शादी के गैर इस्लामिक होने के केस की सुनवाई चल रही थी और इस दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी और मानेका के बीच जमकर झगड़ा हुआ। मानेका ने कहा कि साल 2014 में जब इमरान ने धरना देना शुरू किया था, उसी समय बुशरा बीबी के साथ उनके नाजायज रिश्तों की शुरुआत हुई थी। मानेका ने कहा कि इमरान खान ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। अदियाला जेल में इस सुनवाई के दौरान तू मैं वाला पूरा माहौल देखने को मिला। सवाल जवाब के दौरान इमरान और बुशरा का मानेका के साथ जमकर झगड़ा हुआ। इस विवाद के बाद भी मानेका ने अपना बयान दर्ज कराया। बुशरा के वकील ने मानेका से कई सवाल पूछे, जिससे और ज्यादा विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बुशरा बीबी के वकील ने पूर्व पति मानेका को पीटने की भी कोशिश की। यही नहीं, बुशरा के वकील ने मानेका को कोर्ट रूम से बाहर फेंकने की धमकी तक दे डाली। इमरान खान ने सुनवाई के दौरान जज के सामने कुरान की कसम खाने की इच्छा जताई थी और मानेका को चुनौती दी कि वो भी ऐसा करके दिखाएं। इमरान ने दावा किया कि उन्होंने पहली बार बुशरा बीबी को अपनी शादी के दिन देखा था और ये भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। वहीं मानेका ने भी इमरान खान के बयान को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि दोनों ही पक्षों को कुरान की शपथ लेनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने बाद में इमरान खान को कुरान की शपथ लेने से रोक दिया। कोर्ट के अंदर चले इस ड्रामे के बाद मानेका ने रिपोर्टर्स से बातचीत में कहा कि इमरान खान के नाजायज रिश्ते का उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मानेका ने दावा किया कि इमरान खान और बुशरा के नाजायज रिश्ते की वजह से उनकी एक बेटी का जबरन तलाक भी हो गया। और यही नहीं, बुशरा की बेवफाई की वजह से उनका एक बेटा डिप्रेशन में चला गया। मानेका ने कहा कि इमरान खान फराह गोगी और बुशरा की बहन मरियम की वजह से उनके जीवन में आए। उन्होंने कहा कि मैं कई साल तक इस पूरे मामले को लेकर खामोश रहा, लेकिन अब अपने बच्चों की खातिर वो बोल रहे हैं। और इतना कहते हुए मानेका रो पड़े और बच्चों के मैसेजेस वहां पर दिखाने लगे। वहीं बुशरा बीबी ने इस पूरे मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और कोर्ट के बाहर कहा कि उन्हें अपमानित किए जाने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर को ही जेल बना दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इसके आगे झुकूंगी नहीं। तो इमरान खान के पारिवारिक जीवन में जो ये कलह पैदा हुई है, जो एक पूरी तरीके से पाकिस्तान की किसी फैमिली ड्रामा की तरह लग रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।